मैं ब्लॉग मम्मी का दुकान से खैर के सो गाइस यहां पे मैं खैर के सो जे ईद का दिन मेरी तरफ से आप लोग सबको मेरी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से मुबारक नमाज पढ़ के आ गया था ठीक है और कब्रिस्तान से भी आ गया था। ये देखें मेरी ड्रेसिंग है, ये देख सकते हैं आप मेरी ड्रेसिंग है। अभी मैं कपड़े चेंज करने जाता हूँ ठीक है, क्योंकि अभी कुर्बानी भी तो करनी है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हमारे बकरे कल कुर्बान होंगे, जो बराबर में खड़े हैं बकरे भी हैं, गाय गाय तो उनकी कल होगी और हमारे बकरे भी कल होंगे ठीक है। अब जो वहाँ पे जो बकरे हैं ठीक है वो आज करेंगे, पता नहीं कितने करेंगे, चलो देखते हैं आप ठीक है। कपड़े चेंज करते हैं फिर नाश्ता वास्ता करते हैं फिर देखते हैं क्या सीन। ये देखो ये दोनों बकरे हैं और एक और बकरा है वो थोड़ा सा साइड में छुपा हुआ, और ये तीन गाय ये तो कल होंगी और कल हमारे बकरे होंगे। कल कुर्बान होना है मेरा, आज नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहे कल होंगे ठीक है ना भाई, एक एक दिन का टाइम है आपके पास। ये देखें ये है मेरा नाश्ता, नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें दूसरा बकरा भी आ गया कुर्बानी के लिए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इधर गोश्त वोश कट रहा है और इधर देखें बारबेक्यू का सीन भी लगा हुआ है फुल। तो ये देख सकते हैं आप कि अभी बारबेक्यू एंड पे चल रहा है बिल्कुल हमारा। ये देखें यहाँ पे कीमा ईमा हो चुका है और ये मैं देखें आप मैंगो का शरबत भी बन रहा है। हो चुका है ईद का दूसरा दिन, पहले दिन हमने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था, अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारा एक बकरा तो रिवा हो चुका है, अभी दूसरा होता है तो दिखाते हैं आपको। तो भाई कल मैं ब्लॉग बनाना भूल गया था और मैं बिल्कुल सो गया था, आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, मुझे नज़ला खांसी हो रहा है। फिर है ना उसके बाद जब मैं उठा ना तो फिर मैं सोसाइट भी चले गया था वहाँ पे रिश्तेदारों के घर, मतलब ईद पर जाते हैं ना ऐसा गैदरिंग होती है तो वहाँ पे चले गया था। तो फिर अभी ऐसा आके फिर मैं दोबारा सो गया था, मतलब वो चार बार दिया फिर मैं सो गया था। फिर अभी उठाऊँ तो अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है बाहर चल के चेक कर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये खाल वाल दादी है, ये सर फरीद बैठे हुए। आप लोग दस्तरखान लग चुका है, आज बाकी है कलेजी और हम कलेजी खाएंगे नाश्ते में। 9:50 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी कलेजी बन रही है बहुत डिलीशियस। मेरे बादलों भी आ चुके हैं। तो
गाइस अभी हम आ चुके हैं बराबर वाले घर में जहाँ पे हुई है गाय की कुर्बानी और यहाँ पे अभी ये गोश्त है। क्या बना रहे हो? ये देखो बारबेक्यू बन रहा है भाई, बारबेक्यू। तो गाइस आप देख सकते हैं जो नमक वाली बोटी होनी है वो बन रही है, जो नमकीन बोटी जिसको बोलते हैं ना वो अभी सिक रही है। और ये देखे सर फरीद खा रहे, आए हाय हाय मजा ही आ गया। तक पका नहीं आपके? यार टाइम लगता है इसके अंदर, बहुत नरम रहेगा वरना जल जाएगा। टेस्ट अच्छा हो। देखें दुम्बा भी आया यहाँ पे। हाँ भाई दुम्बा भी लाए। हाँ गाइस तो ये मेरे पापा ने रात पे जाकर चल ये घुटने हमने और ठीक है सर बड़ी समझे बेहतरीन खाए बेहतरीन है बेहतरीन। अब भी ट्राई कर ले। क्या बात, वाह वाह। तो गाइस कीमे के लिए देखें सामान वामान रखा हुआ है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कीमा हो रहा है बारबेक्यू के लिए। ये देख सकते हैं आप हमारे दादा कीमा कर रहे हैं और ये हमारे सर फरीद हैं। तो गाइस अभी रात बात हो चुकी है, ये देखें बारबेक्यू का सीन फुल स्टार्ट हो चुका है। ये सर फरीद हैं और ये हमारे पापा के चाचू बना रहे हैं बारबेक्यू, सही सीन कर रहे हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि ये बोटियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं और ये सीख कबाब वहाँ चल रहे हैं बिल्कुल लगा रहे हैं। ये देखिए सब बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं, अर्शद भाई, इबाद भाई, सब लोग दोस्तों। तो गाइस अभी हो चुका है तीसरा दिन ईद का। तो गाइस हम पहले घर घूमने फिरने गए थे, वो हमने नहीं दिखाया ठीक है, मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं था, मैं लेके नहीं गया था। और दूसरे दिन मैंने आपको दिखाया था बारबेक्यू हुआ था और हमारे घर पे कुर्बानी हुई थी पीकू और चीकू की। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो गाइस अभी हम निकले हैं बन लेने क्योंकि हमारे घर पर बनेंगे बर्गर, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बन की दुकान पर। गाइस ये आप देख सकते हैं कि पेटियां तैयार हो रही हैं बर्गर के लिए, ये चार पेटियां डाली हुई हैं एक साथ फुल। इसको बर्गर में डाल के खाते हैं बहुत मज़ा आता है, केचप के साथ खाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी अभी हो चुका है अगला दिन। तो गाइस मैं कर एंडिंग करना भूल गया था, बर्गर और खाने में मीठा मगन हुए थे ठीक है। तो मैं एंडिंग कर देता हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा जिसके अंदर हमने तीनों दिन का हमने एक ही साथ ब्लॉग बनाया, क्योंकि हर 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 एक दिन थोड़ी थोड़ी रेखा मिक्स करके सबको एक एक ही ब्लॉग में लगा दिया ठीक है। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।